लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल। बलिया जिला के रसड़ा ग्राम सभा में नागरिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह द्वारा नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम प्रधानों को माला पहनाकर सम्मान समारोह किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि गांव की समस्याओं को लेकर एवं गांव का विकास की चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से आर्यन सिंह, बलिराम रावत, धर्मेंद्र एवं संचालक संदीप ने किया। बलिया से संवाददाता शिव शंकर रावत की रिपोर्ट। जी सर, आज कैसा कार्यक्रम हो रहा है? ये जो है कि एक हमारे जो है कि बीडीसी है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, एक प्रत्याशी जो चुन करके आए हैं उनको हमारी पार्टी जो है कि एक सम्मानित कर रही है, जिससे कि अभी युवा हैं, अभी ये लोग हमारे भारत को जो है कि डेवलपमेंट करेंगे। और पार्टी भी जो है कि सिटीजन डेवलपमेंट पार्टी, ये एवरीबॉडी सिटीजन डेवलपमेंट पार्टी है, नागरिकों का विकास ही देश का विकास है, इसलिए हमारी पार्टी का लक्ष्य सम्मान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? जो लोगों ने जो मैंडेट जो दिया है तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और इनको सम्मान करने के बाद इनको हम लोग बताएंगे कि आपको कैसे, आपका रोड मैप क्या होएगा, आप कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि देखिए जो कि यही बच्चे आज जो है कि हर गांव को डेवलप करेंगे। तो ये गांव को डेवलप करने के लिए हम लोग एक सत्कार समारोह रखे हैं कि भाई कैसा इन लोगों को करना है, तो इसके में इसमें पार्टी का कुछ हो नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी एक इन लोगों को सम्मान करना चाहती है और कर रही है। जी, हमारा नाम धर्मेंद्र राजभर है, ग्राम सभा छितौनी से हैं। आज कैसा चुनाव जीते? वार्ड नंबर 1 से 5 बीडीसी के हम प्रत्याशी थे। राजनीति में आने का आपका खास मकसद? राजनीति में आने का खास मकसद है हमारा, जो भी समस्या है, जो समस्या है जैसे है वैसे पड़ा है, उसको हम सुधारने के लिए हम राजनीति से आए। राजनीति आप कब से कर रहे हैं? राजनीति तो हमारा बचपन से ही है, मगर हम फिर भी दूर दूर थे, सेवा करते थे, मगर कुछ ऐसा माहौल बना के हम राजनीति में सेवा। ग्राम के विकास के लिए आप क्या करेंगे? ग्राम के विकास के लिए जो भी है, सड़क है, नाली है, रोड है, जैसे बच्चे भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उन लोगों को शिक्षा देना है, जो गलत काम है जैसे दारू हो गया और जुआ हो गया, ऐसे उल्टा सीधा कामों पे हम लगाम लगाएंगे, हमारा यही सेवा है। इससे पहले आप चुनाव लड़े हैं कभी? हम इससे पहले चुनाव नहीं लड़े हैं, हम जनता की सेवा के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ता है, जैसे भी पड़ता है, उसको सहयोग करते हैं और समर्थन देते हैं।